हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर ओन यूट्यूब चैनल द मैथमेटिशियन शो। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं और इस तरह के क्वेश्चन वेरियस कम्पिटिटिव एग्जाम्स और इंट्रेंस एग्जाम्स में आते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले इस फिगर को हम लोग देखते हैं। इस फिगर में ये जो फिगर है ये आप देख सकते हैं, ये है फिगर, ठीक है। और इस फिगर में हम लोगों को क्या करना है, इवेल्युएट द पेरीमीटर ऑफ द फिगर टू वन डेसिमल प्लेस, मतलब इस फिगर का हम लोगों को पेरीमीटर फाइंड करना है वन डेसिमल प्लेस में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पेरीमीटर ऑफ द फिगर इक्वल्स टू इंटू एल प्लस बी, मतलब रेक्टेंगल का हम लोग पेरीमीटर फाइंड करेंगे। उसके बाद उसमें से ये जो लेंथ होगा फोर टाइम्स, इस लेंथ को हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो इसमें से सब्ट्रैक्ट करना होगा टू इंटू टू इंटू फोर, ठीक है। इस लेंथ को यानी टू टू फोर, और फोर टाइम्स है इस तरह का लेंथ, तो इसमें से फोर टाइम्स हम लोग इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। और ये जो क्वाड्रेंट का बाउंड्री है, ये क्वाड्रेंट बन रहा है ना, इस क्वाड्रेंट का जो बाउंड्री है ये हम लोग ऐड कर देंगे। तो इसको ऐड कर देते हैं। हम लोग जानते हैं कि ये एक क्वाड्रेंट है, इस क्वाड्रेंट का बाउंड्री, इस क्वाड्रेंट का बाउंड्री, ये टोटल मिल के चार क्वाड्रेंट का बाउंड्री हो गया, और चारों मिलके एक सर्किल का सरकमफ्रेंस बन जाता है। तो सर्किल का सरकमफ्रेंस हम लोग जानते हैं क्या होता है, टू पाई आर, ठीक है, इक्वल इसका लेंथ कितना है 20, तो टू इंटू 20 प्लस, और ब्रेथ है 10 माइनस टू टू जै फोर, फोर जै 16 प्लस टू पाई आर। टू इंटू पाई का वैल्यू हम लोग क्या लेंगे, क्योंकि हम लोगों को डिसिमल प्लेस में आंसर लाना है, तो पाई का वैल्यू हम लोग लेंगे यहाँ 3.14, 22/7 भी ले सकते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ 3.14 लेंगे। उसके बाद आर, आर क्या है, आप लोग देख सकते हैं कि ये जो 2 मीटर है यही तो क्वाड्रेंट का रेडियस है, और यही चारों क्वाड्रेंट मिल के एक सर्किल बनता है, तो सर्किल का भी रेडियस 2 मीटर होगा। तो इंटू टू इक्वल टू इंटू 20 और 10 30 माइनस 16 प्लस 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, और 4 14 जा 56, यानी 12.56 इक्वल टू इंटू 30 कितना हो जाएगा, 2 3 जा 6 होता है, 6 और 0 60 माइनस 16 प्लस 12.56, इसको और इसको ऐड करना है, ये दोनों को ऐड करेंगे क्या होगा, 60 और 12 72 और 0.56 माइनस 16 इक्वल 72.56 में से 16 को अब हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो क्या आंसर आएगा 56.56। और 56.56 अप्रॉक्सीमेटली होता है 56.6 के इक्वल, तो इसीलिए हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा ऑप्शन 3, तो ऑप्शन 3 हमारा सही आंसर होगा। फ्रेंड्स, आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें, ताकि आपको इसी तरह का इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। Thanks for watching.